गाइस ये श्वेता। हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो अभी मैं कॉलेज जाने वाली थी, बाहर निकल के देखा तो थोड़ी थोड़ी शायद मेरे उठने से पहले बारिश हुई है। काफी अच्छा लग रहा है। लुक एट द वेदर। नॉट साइम ऑफ दिस परफ्यूम। ये मेंस परफ्यूम है बट इसकी स्मेल बहुत बहुत ज्यादा अच्छी है। एंड यार इट्स गिफ्टेड। सुबह सुबह बहुत ज्यादा बैड न्यूज मिल गई है। मेरी बेस्ट फ्रेंड श्वेता, वो जा रही थी स्कूटी पे, शायद किसी वजह से वो फिसल गई, कुछ ऐसा हो गया जिसकी वजह से काफी चोट उसको आ गई है। तो यार मूड पूरा खराब हो चुका है। जितना ही खुशी खुशी मैं कॉलेज जा रही थी, अब एकदम से मूड अपसेट है। लेकिन एक चीज अच्छी है कि बहुत वैसी वाली चोट नहीं आई उसको कि हड्डी पसली टूट जाए। मतलब अभी एक्सरे नहीं हुआ है। नाउ गाइस आई एम रेडी, आई एम वेटिंग फॉर माई फ्रेंड। तो साथ में ही जाएंगे हम। पहुंच चुकी हूँ मैं कॉलेज। अभी मैं आ गई हूँ चाय पीने आफ्टर कॉलेज। और यहाँ बहुत सारे थॉट लिखे हैं, उसको देख के मुझे अपने सुल्तानपुर संडे की याद आ गई। लुक एट दिस। यहाँ पे लोग अपने अपने किसी ना किसी चीज़ के लिए थॉट लिखते हैं और स्टिक करते हैं। इधर भी है, उधर भी है। तो हमारी चाय हो गई है खत्म। तो गाइज अभी मैं आ चुकी हूँ ट्रेंड्स में, थोड़ी सी ग्रोसरी शॉपिंग करने के लिए। गाइज मैं आ गई हूँ स्पेंशर। ओह माय गॉड, साइज देखो इस कपड़ों की, इतनी छोटे। तो यार बच्चों के कपड़े देखने मुझे बहुत अच्छा लगता है। अब बीबीडी के सामने इस गली में आ गए हैं हम, और यहाँ पे हम कुछ खाएंगे पिएंगे। यहाँ पे गाइस मैं पी रही हूँ, पहले रोड क्रॉस कर लो फिर बताऊँ, गन्ने का जूस। गर्मियाँ आते ही मैं पैरों की स्वेटिंग से हो जाती हूँ, बहुत ज्यादा परेशान। और फिलहाल मैं पहुंच चुकी हूँ अपने हॉस्टल। बीबीडी में जैसे जैसे एडमिशन्स वाले डेट आ रहे हैं, वैसे वैसे बहुत सारे कमेंट्स आते हैं रिगार्डिंग एडमिशन। तो जब मैंने एडमिशन लिया था, दैट इज़ जुलाई आई होप, ना जुलाई अगस्त आई होप था, और सितंबर से मेरी क्लास स्टार्ट हुई थी। तो अब की बार का तो मुझे नहीं पता, लेकिन मेरा एडमिशन जुलाई में हुआ था। यार आपको एडमिशन लेना है, बहुत कुछ पता करना है, तो यू कैन विजिट इन कॉलेज कैंपस, वहाँ से आपको सारी चीज़ें बहुत डिटेल में अच्छे से पता चल जाएंगी। बिल्कुल भी किसी काम में मेरा मन नहीं लग रहा है। जब तक मैं सुल्तानपुर जाके श्वेता को नहीं देख लूँगी, तब तक मेरा दिमाग वहीं पर लगा रहेगा। दैट्स वाई अब मैं चल रही हूँ कॉलेज से आते ही निकलने सुल्तानपुर के लिए। आई नो इट्स वेरी हेक्टिक टाइप ऑफ सिचुएशन, बट पता नहीं यार, मन ही कुछ ऐसा है, लगेगा ही नहीं कहीं पर। तो गाइस मैं मेट्रो स्टेशन पहुँच चुकी हूँ। यहाँ पे गाइस ट्रेन में बैठने के लिए बहुत ज़्यादा भीड़ लगी हुई है, और ट्रेन अभी अभी प्लेटफॉर्म पर आई है, मतलब आई भी नहीं है, बस आ रही है, अभी तो चली रही है। यू कैन सी कैसे लोग दौड़ दौड़ के चल रहे हैं। तो गाइस मैं अपने घर पहुँच चुकी हूँ कब का, और ब्लॉग मैंने स्टार्ट नहीं किया था। श्वेता को देखने आई हूँ, लेकिन श्वेता को देखने कल जाऊँगी, क्योंकि जब मैं पहुँची तो रात हो चुकी थी। फिलहाल तो अभी बज रहे हैं 11:30, और मेरे घर से उसका घर दूर है, तो टाइम भी लगता है जाने में। जिस काम के लिए आई हूँ कल से, वो काम करने फाइनली मैं अब जा रही हूँ श्वेता के घर, श्वेता को देखने। जो भी होता है अभी आपको मैं दिखाने वाली ही हूँ। उसे मिलने के बाद सबसे पहले तो मुझे उसकी कंडीशन देखनी है, और अभी रास्ते में हूँ पैदल चल के, हालत ख़राब, और मेरे चेहरे पर ये दो मेहमान। इट्स अपडेट। गिरी पड़ी है, बहुत चोट आ गई इसको। श्वेता जी क्या आप मुझे बताएंगे कि आपको चोट कैसे आई? अड्डू मार खा जाओगी यार, बहुत करो यार मेरे सरों मार। तो देखा आपने, बहुत चोट आई इसको। एक साथ नहीं उठ खाता, पता गिर गई और इस एक साथ नहीं उठ खाता। ब्रेकिंग न्यूज़ गाइस, लुक एट द वेदर गाइज, बहुत अच्छा मौसम है, हल्की हल्की बारिश हुई है। वो रहा रेलवे ट्रैक, जो कि ये जो पटरी है जाती है फैजाबाद, और ये रही श्वेता। चलने की कंडीशन में तो नहीं है, लेकिन मैं इसको बाहर लेके आया हूँ ताकि इसका मूड लाइट हो सके। घर में बैठे बैठे पेशेंट अगर कोई रहता है तो और बड़ा पेशेंट हो जाता है ऐसा। तो मानती हो कि नहीं मानती? अरे यार मेरे को 2 दिन हो गया था बाहर आए, अब अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है ना, मौसम बहुत अच्छा लग रहा है। ओके डन। 24 घंटे हम घूमा करते थे, और आज ऐसा कंडीशन आ गया।
लुक एट दिस घास वाला पेड़ गाइस, पता नहीं किसी का पेड़ है, मैंने ऐसे ही कह दिया घास वाला पेड़, और जो मेरे वीडियो पे बैड कमेंट्स करे उनको भगवान ये चुभा दे। ये पेशेंट को लेकर घुमा रही हूँ मैं, लंगड़े लंगड़े पैरों से चल रहे। तुम्हारा एक्सीडेंट एक मजाक बन के रह गया। ठाकुर हनविका को लेके मैं टहल रही हूँ बारिश के मौसम में। खुश तो तुम बहुत होगी। ये लो। ना नाल करे कमाल के रोज नहीं है। छू चाह लेंगे मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है, ऐसा लग रहा है मेरे को कुछ हुआ ही नहीं है। मेरे सारे चोट के दर्द जो थे सारा खत्म हो गया। सच में मेरे को दिल से अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। मैं अपनी फीलिंग शेयर नहीं कर सकती, मेरे अंदर चल क्या जा रहा है। अपने घर आ चुकी हूँ मैं अभी। नौ मैं अपने हॉस्टल पहुंच चुकी हूँ। कल मैंने व्लॉग कैरी ऑन नहीं किया जब लखनऊ आई तो, क्योंकि मैं थोड़ी थकी थी, काम बहुत ज्यादा थे मेरे पास। दैट्स व्हाई। तो मुझे इतना कहना था, बहुत सारे लोग ऐसे कमेंट करेंगे कि उसको चोट लगी थी, आई होप इट्स अ कंटेंट फॉर यू कि तुम वीडियो शूट करने लगी, ये वो ये बहुत सारे लोग होते हैं। तो मुझे बोलना ये था कि मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी जब मैंने देखा कि उसको ऐसी चोट लग गई है। मतलब सी इज़ वेरी स्पेशल फॉर मी, उसका तो वर्ड नहीं है मेरे पास, जितना मेरी फैमिली है उतना ही वो भी है। और जब ये सब सुना तो मैं भागते हुए गई। अगर नॉर्मल होता मेरे लिए, बियर करने लायक होता ये जो न्यूज़ था तो मैं ना जाती, लेकिन नहीं था तो मैं भागते हुए गई हूँ। और फिर मैंने वीडियोस क्यों बनाया, क्योंकि वो ऐसी कंडीशन में थी, देख के मुझे खुशी हुई लिटरली कि इतना सब कुछ होने के बाद वो कम से कम बच गई, वो ठीक है। कुछ अच्छी चीज़ें थी, कुछ लोग की जो वेल विशेज होती हैं वो उसके साथ में थी, जो वो बच गई, सबसे बड़ी चीज़ तो ये थी। और फिर अगर कोई भी पेशेंट है, अगर किसी को चोट लगी है, वो चलने की हंसने की हिम्मत में है, तो उसे और ज़्यादा हंसाइए, और ज़्यादा चलाइए, उसे सब बाहर की चीज़ें दिखाइए, ताकि उसे ये ना फील हो कि आई एम पेशेंट। अगर जब भी कोई इंसान सोच लेता है कि आई एम पेशेंट, तो वो जल्दी रिकवर नहीं हो सकता। अगर वो जान लेता है कि मैं ठीक हो सकती हूँ या हो सकता हूँ, तो वो जल्दी रिकवर हो सकता है। तो पेशेंट के आगे मुंह फुला के कभी नहीं बैठना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। हंसना चाहिए, बोलना चाहिए, घुमाना टहलाना चाहिए, तो वो जल्दी रिकवर हो सकता है। एंड उसके सामने मैं कंटिन्यू खुश थी, बहुत सारी ऐसी चीलिंग वाली चीज़ें कर रही थी, लेकिन अंदर से तो मुझे था यार कि जल्दी से वो ठीक हो जाए, क्योंकि बाहर से तो चोट बहुत कम दिख रही थी, उसके बोन्स में अंदर से काफ़ी चोट आई थी। बस भगवान ने अच्छा किया कि हड्डियां नहीं टूटी, बच गई। हाँ, वेल विशेज, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा दिल की अच्छी है, तो ऑब्वियस बात है वेल विशेज तो होंगी, लेकिन गिर क्यों गई, चलो ठीक है, हो जाता है कभी कभी, वही भगवान अच्छा करें कि ठीक हो जाए। अभी मैंने देख लिया उसको तो मुझे सुकून है कि चलो देख लिया, अगर नहीं देखी होती तो माइंड में कंटिन्यू वही चीज़ें घूमती रहती। तो यार यही था मेरे लिए वो इंसिडेंट, नॉट अ कंटेंट, बस सब कुछ अच्छा हो जाए।